सील सुराम में फैक्ट्री मालिकों ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। यह गिरोह फैक्ट्री के माल की चोरी कर रहा था। सार्थक टीएमटी के चेयरमैन विजय गर्ग ने आयरन स्पंज की चोरी के आरोप में ड्राइवर और हेल्पर और कंपनी के एक कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इसके पीछे 3 गिरोह का काम करने की सूचना मिली है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस बड़ी चोरी का खुलासा होने के बाद विधायक विकास उपाध्याय भी थाने पहुंचे और पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग की। और जो भी इनका माल खरीदता है, जो सरगना इनका है, सबसे बड़ी कार्रवाई हम लोग चाहते हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। और उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो छोटे छोटे लोग अपने आप भाग जाएंगे। तो हम लोग कल एसपी से मिलकर ये चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो बड़ा सरगना जो इनका माल खरीदता है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो, हमारी यही मांग रहेगी। जाकर कोई कबाड़ी दुकान में या कोई गुड़ाओं में जाकर रह रहे हैं तो उनकी चिंता तो है, और इस शक पर वो बात भी कर रहे हैं, और आज पकड़ाई भी ये पकड़ा भी उन्हीं लोगों ने, तो इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। इसलिए एसपी साहब से कल हम लोग मुलाकात करके इस पर विशेष तौर पर एक टीम गठित करके उसकी जांच की मांग करेंगे। ऐसी इसमें इनके कंपनी के एक कर्मचारी है जो वेट करता है, कांटा करता है, उसकी भी मिली भगत होने की शिकायत की गई है, उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर एकदम कार्रवाई की जाएगी। सुबनी जिले की